अभी तक हमने इकोनॉमिक्स हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, हमने उसमें इकोनॉमिक्स का आई थिंक 40-50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जो भी सारा बेसिक था जहाँ से इकोनॉमी शुरू हुई, कैसे कैसे हुई, और टिल प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट हमारे इनिशिएटिव ले रही है कि जो भी चीजें वो कर रही है गवर्नमेंट की, 5 ईयर प्लान होते थे, 5 ईयर प्लान को खत्म करके एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आई है, विजन 2030, ठीक है, नीति आयोग आई, प्लानिंग कमीशन, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पे टॉपिक पढ़ना है इम्प्लॉयमेंट, अब हम इम्प्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं, ये हमारा इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इम्प्लॉयमेंट देखिए, अब इम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ फिजिकल बॉडी, ठीक है, जहां पे जो आपके पास स्किल्स हैं आप उसे यूज करके अपने स्किल्स के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ स्किल्स यू आर गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, या यू आर गेटिंग पेड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपके पास स्किल्स हैं, जहां पे आप काम करना चाहते हो लेकिन आप फिर भी काम नहीं कर पा रहे। अब अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली हमारे को होते तो बहुत सारे टाइप है, हमारे को दो या तीन पढ़ने हैं, सीजनल, डिस्गाइज्ड, यही दो पढ़ते हैं क्योंकि यही दो हैं जो एग्जाम से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक ये कह सकते हैं क्या, ओवर वो होता वैसे पार्ट इम्प्लॉयमेंट का ही है, लेकिन हम लिखते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, वो आपको भी मैं समझाता हूं, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर इम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल क्या होती है, जैसे एक आदमी है वो गन्ने का जूस बेचता है, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आदमी है वो गन्ने का जूस बेचता है, गन्ने का जूस तो साल में सिर्फ आई थिंक 4-5 मंथ से बिकता है, तो वो उस 4-5 मंथ के लिए इज एम्प्लॉयड, बट अदरवाइज ही इज अनएम्प्लॉयड, मतलब उसके पास क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि वो जो नॉन शुगर केन जूस के जो मंथ्स होते हैं वो उनमें अनएम्प्लॉयड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज क्या होता है, मान लीजिए ये एक आपका पैच ऑफ लैंड है, एक फार्मर है, उसने इस लैंड पे 100 लेबर्स लगा रखे हैं, 100 लेबर्स लगा रखे हैं। अब 100 लेबर्स का क्या है, इस पैच ऑफ लैंड पे हमारे को पता है, हमारे पास डेटा है, और जो लैंड हमने उससे भी डेटा लिया है कि इस लैंड पर मैक्सिमम 30 लोगों की नीड है, 30 पीपल कैन डू देयर वर्क, इसने कितना लगा रखा है, 100, मतलब 70 पीपल आउट ऑफ 100 आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब इस लैंड पे 30 लोगों की जरूरत है, मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है 100%, अब 30 पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लैंड पे, 30 पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पर पर्सन कितना परसेंटेज हो गया, पर पर्सन, ठीक है, 100/30 मतलब 3.33% पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है। अब मान लीजिए यहां पे आ गया 100/17, तो 10/7 क्या हो गया, ये समथिंग लाइक 1 फिर 3 बचा, 1.4 फिर 2 बचा, तो 4 2 कुछ ऐसे, मतलब अब पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कम होगी, जहां पहले 3.33% पर पर्सन हम प्रोड्यूस करवा पा रहे थे या उसके प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी से का मतलब जो टोटल हमारे को आउटपुट मिल रहा है इन प्लेस ऑफ इनपुट्स, और जो हमने उसके साथ जो प्रोसेसेस करे उसके बाद, ठीक है। तो इसका हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो 70 पीपल हैं ये अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, सेकंड इनको फुल पोटेंशियल की पेमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि देखिए अगर 3.33% प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगी, और अगर आप 1.42% प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी कम मिलेगी, ठीक
तो एक तो ये अपनी कैपेबिलिटी पूरी यूज नहीं कर रहा, सेकंड इसको पेमेंट भी पूरी नहीं मिल रही, तो इसने कहा होगा ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको लग तो रहा है कि इज वर्किंग बट इन रियलिटी इज नॉट। ओवर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होता है कि इसमें प्रोडक्टिविटी सेम रहती है, जो पेमेंट होती है वो सेम होती है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। अब ओवर एम्प्लॉयमेंट कैसे, आईटी फर्म है वो हायर पे हायर पे हायर ही करे जा रहा है, ठीक है, और जहां उसको 5-6 लोगों की जरूरत है उसमें सबको एब्जॉर्ब करने के उसने प्रोसेसेस बांट दिए, तो एक पर्सन सिर्फ एक ही प्रोसेस कर रहा है जबकि कैपेबिलिटी हर एक पर्सन में 3 प्रोसेस करने की है एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन पेमेंट वो सबको दे रहा है, तो ये क्या होगा ओवर एम्प्लॉयड। तो अब उसकी कंपनी पे भी आएगा दबाव, आएगा उसकी कंपनी में प्रॉफिट कम होंगे, देन ही विल फायर समवन, तो फिर वो वही हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये आप समझ गए क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हो तो इसे नोट कर लीजिए, वरना मेरे ख्याल से तो आपको जरूरत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट समझने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए, मैंने कहा था ना हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4 टॉपिक से करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, इकोनॉमिक्स तो मेरे को लगता है आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, बाकी जो हम एमसीक्यू देखेंगे अगर उनमें भी अगर ऐसा करंट अफेयर्स का होगा तो वो भी हम पढ़ेंगे, बाकी जो भी मैं आपको बीच बीच में मेरे को ध्यान आता रहे ना वो आपको करंट अफेयर बताता रहूंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स का आई थिंक आप कर ही रहे होंगे, मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया था कि कैसे आपको करना है, तो आप एक शीट बना लीजिए और वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को 3 स्कीम्स पढ़नी है, ठीक है, एक तो है पीएम किसान, ये जिसमें हमारा आरआरबी जेई वाला बैच लिया होगा, मैंने उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स पढ़ाई थी, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप उसके नोट भी रेफर कर सकते हैं, वरना फिर अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। किसान एक हो गया, पीएम श्रमदान योगी योजना को कैसे है श्रमदान योजना, ठीक है, पीएम किसान पीएम श्रमदान योजना, और एक और आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले इन दो को देखते हैं, ठीक है, वो इनसे ही है रिलेटेड। ओके, इसमें क्या है पीएम किसान में, देखिए अब हमारे को 2 चीजें समझनी, इलेक्शन से पहले इसमें क्या था कि स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 एकर्स तक का लैंड है तो उसमें रफनी कुछ आते थे 10 to 11, ठीक है, 2 एकर्स लैंड होता था, लेकिन अब क्या हो गया है 2 एकर्स लैंड की जगह अब क्या हो गया है ऑल स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स। दूसरी चीज इसमें आपको 6000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, 6000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है, क्या कहते हैं उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा आपके आधार कार्ड से जो लिंक है बैंक अकाउंट उसमें आएगा, ठीक है। अब ये 6000 कैसे मिलते हैं, इन 3 equal installments, इन 3 equal installments, ओके। क्या करा हमने पीएम किसान में, स्मॉल फार्मर्स पहले थे 2 एकड़ के, अब ये सारे स्मॉल फार्मर्स 6000 रुपीज मिलते हैं और 3 equal installments, मतलब हर 4 महीने में 2000 रुपए स्मॉल फार्मर्स को मिलते हैं, जिससे आप अपनी कोई चीज खरीद सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप जो फार्म पे आउटपुट होता है उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अब पीएम श्रमदान योजना, आप इसका एक बार नाम अच्छे से और चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये जो इलेक्शन से पहले जो बजट अनाउंस हुआ तो उसमें स्कीम्स हुई थी इंट्रोड्यूस और ये चली गई थी, ठीक है, इसमें 2 चीजें, ठीक है, 2 इंच रुपए बांटे गए। अगर आप इसको 29 ईयर से पहले ज्वाइन करते हैं कि आपने 18 to 29 ईयर्स में ज्वाइन कर लिया और एक आपने आफ्टर 29 ईयर्स ज्वाइन कर, तो आपको कंट्री का होगा ₹55 पर मंथ और गवर्नमेंट भी इतना ही देगी, इसमें क्या होगा ₹110 पर मंथ,
और गवर्नमेंट भी इतना ही देगी, ठीक है। दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में आपको आफ्टर 16, आफ्टर 16 आपको ₹3000 पर मंथ पेंशन है, 3000 पर मंथ पेंशन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आ सकती है आपसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखा स्कीम्स के थ्रू हम इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्कीम के बेसिस पे इसमें आपका, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए और आपकी इनकम पर मंथ 15,000 से कम होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है तो यही लिखते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। आप जिस जॉब में जाने की सोच रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज से मेरा क्या मतलब, टाइम ऑफ वर्क डिसाइडेड है कि सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आ जाएंगे, सैलरी डिसाइडेड है, जॉब की सिक्योरिटी है, हेल्थ बेनिफिट्स ठीक है, पेंशन, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर फैमिली के लिए जो भी चीजें ठीक है, लाइक फैमिली की हेल्थ केयर, फूड एक्सेट्रा ठीक है, अकोमोडेशन, ये सब क्या होता है आपका ऑर्गेनाइज सेंटर। अब ऑर्गेनाइज ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज। अब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होगा, अनऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गेनाइज से जस्ट उल्टा, जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर ठीक है, टाइम ऑफ वर्क डिसाइडेड नहीं है, सैलरी कम है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं है। और एक और चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको सेफ वर्किंग एनवायरमेंट है। मतलब क्या है, आपका ये नहीं है कि आप यहां बैठे हुए यहां पे आपकी कोयला हो रहा है, आप यहां बैठे हुए यहां पे आपकी आग लगी हुई है ठीक है, आप यहां बैठे हुए आपके सामने मतलब कोई ऐसी चीज बन रही है जो हार्मफुल है, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क एनवायरमेंट इज वेरी सेफ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क एनवायरमेंट इज नॉट सेफ ठीक है। तो ये हो गया पीएम श्रमदान किसके लिए, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए। एक और क्या है आपका, एक और आपकी सीन लॉन्च हुई थी वो क्या है आपकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन आई थिंक या योजना है। स्कीम्स के नाम तो आपको पेपर में लिखा देंगे, बस आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि पीएम श्रमदान, पीएम किसान, मिशन होता है या योजना होता है। देखिए योजना का मतलब होता है इंग्लिश में मिशन, ये एक स्कीम होता है और मिशन उसका इंग्लिश वर्जन। तो आप बहुत सारे का बोलते हैं पीएम श्रमदान योजना, बहुत सारे का बोलते हैं पीएम श्रमदान मिशन ठीक है, वन एंड द सेम थिंग हो गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, हमें इंडिजिनस जो काउ ब्रीड्स हैं उनको सेव करना है ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है कि हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, क्योंकि आर इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड, तो एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है क्या हमारा मिल्क की कैटल ब्रीडिंग, हमने अपनी मिल्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के, हमने वर्ल्ड की जो बेस्ट ब्रीड्स है उनके साथ हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग कर रही, तो उसके चक्कर में हमारी इंडिजिनस जो ब्रीड्स है, जो इंडिजिनस जो हमारी ब्रीड है वो डेंजर में ना आ जाए और वो खत्म ना हो जाए, इसलिए मात्र क्या बनाना है इंडिजिनस जीन पूल प्लस हमारे को स्टेटस बनाने कैटल के ठीक है। और ये बेसिकली इनके दो फंक्शन और प्लस बहुत है कि हमारे को उनका ऐसे केयर देनी है, हम तो स्टेटस में एक वेट होना चाहिए ये सब, लेकिन आपको मोटा मोटा सिर्फ ये दो चीजें पता होना चाहिए ठीक है। अब इसका नोट करिए ठीक है, और ठीक है एक और स्कीम हमें हमारे को पढ़नी है, पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा क्या है आपके, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, अकाउंट्स खोले प्लस आपको लोन फैसिलिटी होगी, लोन फैसिलिटी। अब लोन फैसिलिटी तीन तरह की है, शिशु कोई अगर हिंदी बहुत पढ़ता तो शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा, किशोर और तरुण
ठीक है। अब शिशु में क्या है, अप टू ₹50,000 का लोन है, किशोर में क्या है 50K 1000 टू 5 लाख, और इसमें क्या है आपका 5 लाख टू 10 लाख। ये क्या हो गया आपका पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। और एक आ सकता है आपका कि जैम ट्रिनिटी का क्या मतलब है, जैम, ठीक है, जे का मतलब हुआ जनधन योजना, जनधन का मतलब उसमें आपके बैंक अकाउंट खोलेंगे, इसमें क्या आपके बैंक अकाउंट में आपकी लोन फैसिलिटी होगी अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो इसमें क्या होगा आपका बैंक अकाउंट, क्या नाम है इसका, जनधन योजना, जन धन योजना। ए से क्या मतलब है आपका आधार, कि आधार का असली यूज, ठीक है। जैसे क्या होता है देखिए, अगर कोई आप तो सुना होगा एक स्कीम होती थी बहुत पहले मनरेगा, अभी भी है, हमें आगे पढ़नी है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं। मनरेगा में क्या होता है कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, तो गवर्नमेंट उन्हें मिनिमम 100 डेज और अब तो 200 डेज का मैनुअल अनस्किल्ड वर्क देती है, उन्होंने पेमेंट होती है। तो उसमें क्या होता था कि आपको या तो पेमेंट ले लिया, को एक अकाउंट मिलता था, वहां से जाके राशन शॉप से ले सकते थे। तो राशन वाले क्या करते थे, देते कम थे और खाते ज्यादा थे। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या करा, आधार का असली यूज करा। क्या होगा कि अब आपका आधार से लिंक हो गया, आप शॉप पे जाएंगे, आपने आधार दिखाया, आपका कंप्यूटर पे उसके डेटा फीड करना होगा कि अच्छा मैंने इतना दिया, और अगर फिर डिस्क्रिपेंसी होगी तो गवर्नमेंट उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी, ठीक है। और इसमें क्या है, जन धन आधार और ये मुद्रा, ये होगा। तो ये क्या होगा आपका जैम ट्रिनिटी, इससे कह रहे हैं गरीबी हटेगी और मेरे घर से हटेगी। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, पीएम किसान, पीएम स्वाभिमान, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, पीएम किसान पढ़ा हमने, पीएम स्वाभिमान योजना पढ़ा, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने पढ़ा, ठीक है, हमने एम्प्लॉयमेंट भी देखा था अभी, और हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, पीएम मुद्रा योजना, और हमने क्या पढ़ा, पीएम जैम ट्रिनिटी, ठीक है। अब दो हमने ऐसे ऐसे पढ़ लिया, ठीक है, ओके, और हाँ ये हो गया, ठीक है, इसको दो मिनट में यहाँ पर रैंक की, ताकि आप और अच्छे से, ठीक है। नोट कम करना है, लिखना ज्यादा है, और अगर आपको जैसे ये एक वर्ड है जीनपुल, जीनपुल का मतलब समझ में आया, इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पे है पहले से, जो हम बनाते हैं या जो हमारे यहाँ पे है। जीनपुल का मतलब उनके डीएनए, जैसे आपका खून हो गया या आपका कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे हम आपको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते, क्लोनिंग कर सकते हैं। फूल का मतलब होगा वहां पे हमने सारे जीन्स को स्टोर कर लिया, शेल्टर्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। फिर हमने एक और स्कीम पढ़ लिया, तो जल्दी जल्दी में वो क्या थी, आप हमारी मनरेगा, मनरेगा बहुत सुना भी होगा, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसका वेज डिसाइड होता है 200 डेज ऑफ वर्क होता है, मैनुअल स्किल्ड वर्क, हमने इतनी चीजें पढ़ ली। हमें पढ़ना क्या क्या है, याद रखना स्मॉल फार्मर्स है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितनी इंस्टॉलमेंट हो रहा है, कितने साल में कितना हम कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और 60 ईयर्स के बाद क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, किस सेक्टर के लिए कितने से कम ज्यादा होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पढ़ना है कि इसमें क्या हो रहा है, इंडिजिनस है, मनरेगा में आपको वो पढ़ना है कि 200 डेज है, 200 डेज। जैम ट्रिनिटी पढ़नी है कि जनधन आधार और मुद्रा योजना, और पीएम मुद्रा योजना पढ़ना है कि बैंक अकाउंट लोन फैसिलिटी, तीन तरह के लोन होते हैं, हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गए, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड था, मेरे को लगा चलिए आज हमारे को बताने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप सारे देखें तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि देखिए आप जीन पूल बनाएंगे तो आपको साइंटिस्ट चाहिए, आप फिल्टर बनाएंगे तो आपको लेबर चाहिए, ठीक है। मनरेगा में भी एम्प्लॉयमेंट है, जनधन आधार योजना में भी एम्प्लॉयमेंट है, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपकी सैलरी उसमें आएगी, ठीक है, मनरेगा करेंगे तो फिर आपका लीकेज कम होगी, और मुद्रा योजना में भी आप लोन लेकर आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। तो एक टॉपिक एम्प्लॉयमेंट, और उससे देखिए हमने कितने सारे करंट अफेयर्स देख लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक नोट कर सकते हैं,
और अगर आप चाहें तो दो या तीन A4 साइज की शीट लीजिए, उसमें स्कीम सब लिख सकते हैं, जो भी मैं स्कीम आपको बताऊंगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।